तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो अरामनी 4 का दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं। देखो भाई, ये मूवी आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, यही बात मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। मूवी 2 घंटा 28 मिनट की है, यूए का सर्टिफिकेट मिला है, मूवी तमिल लैंग्वेज में आई हुई है। अब देखो भाई, अगर आप इस मूवी को देखने जाते हैं तो क्या ये मूवी आप लोगों को संतुष्ट कर पाएगी? 200-250 रुपये अगर आप इस मूवी के ऊपर लगाते हैं तो क्या आप लोग जब ये मूवी देख के निकलेंगे तो ये सोचेंगे हाँ भाई इस मूवी से मेरे पैसे वसूल हो गए या वेस्ट हो गए? यही बात मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई राशि खन्ना एंड तमन्ना भाटिया मूवी के अंदर लगी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत लगी है। मैं अगर उनकी और मूवीज की बात करूं कि तमन्ना भाटिया एंड राशि खन्ना, खासतौर से राशि खन्ना, तो मुझे इस मूवी के अंदर बहुत ज्यादा खूबसूरत लगी है, जो कि यहाँ पे लगेगा कि भाई पैसे वसूल हो चुके हैं इन दोनों को ही देख के। बात करूँ स्टोरी की, स्टोरी देखो काफ़ी यहाँ पे आप लोगों को मज़ा आने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड जो मूवी है वो इन दोनों के ही इर्द गिर्द घूमेगी। मूवी यहाँ पे आप लोगों को हंसाएगी भी एंड यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा डराएगी भी। हॉरर कॉमेडी है एंड मूवी के अंदर जो घर दिखाया है भाई, उस घर के अंदर इतने राज हैं जिसको देखने के बाद में आप लोग यही कहेंगे कि भाई मैं कभी भी इस तरीके से अकेले घर में जाके नहीं रह सकता। मतलब समझ रहे हो मेरी बात, जिस तरीके से हमने कभी भूल भुलैया देखी थी उस तरीके से। अब मैं बात करता हूँ देखो इसकी टेक्निकल चीज़ों की। तो भैया देखो बात यह है, मूवी के अंदर जो इसके टेक्निकल एलिमेंट्स हैं भाई, लाइक म्यूज़िक आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपनी तरफ खींचेगा। म्यूज़िक दोस्तों जो उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है और जो हॉरर म्यूज़िक दिया है भाई साहब, म्यूज़िक डायरेक्टर ने बहुत उम्दा दिया है। बात करें इसके विजुअल्स की भाई, विजुअल्स काफ़ी यहाँ पर आप लोगों को एंगेजिंग लगेंगे। मतलब आप लोग ये कहेंगे कि यार क्या देख लिया, विजुअल्स इतने क्लीन एंड साफ हैं कि आप लोगों को मज़ा यहाँ पे प्रॉपर आने वाला है। सीजीआई भी दिया है मूवी के अंदर और सीजीआई भी काफ़ी दोस्तों लगेगा कि हाँ यार ये तो बिल्कुल रियलिटी है, मतलब लगेगा नहीं कि ये नकली है, बिल्कुल रियल लगेगा। एंड यहाँ पे दोस्तों पिछली मूवीज से अगर मैं इस मूवी का कंपेयर करूँ तो भाई ये मूवी बेस्ट ऑन बेस्ट है पिछली मूवीज से। मैं मानता हूँ कि देखो जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने इस मूवी को दोस्तों काफ़ी अलग तरीके से बनाया है पिछली मूवीज से। एंड बात करें हॉरर एंड सेंटिमेंट वर्क वेल, हॉरर एंड जो इसका जो सेंटिमेंट दिया है हॉरर का, यानी कि जिस तरीके से हॉरर को रखा गया है बहुत अच्छा रखा गया, वेरी वेल, आप लोगों को मज़ा पूरा पूरा आएगा। एंड यहाँ पर जो प्री इंटरवेल हॉरर एंड लास्ट के 40 मिनट, यानी कि जो प्री इंटरवल होगा समझ के चलना एंड लास्ट के जो 40 मिनट होंगे वहाँ पे आप लोगों को एकदम से ये होगा कि भाई ये क्या हो गया, मतलब आपको इतना पलक झपकने का मौका भी नहीं देगा, बस आप समझ के चलो। एंड यहाँ पे प्री क्लाइमैक्स कॉमेडी, यानी कि आप लोगों को क्लाइमैक्स में भी कॉमेडी सीक्वेंस इतने दोस्तों घातक दिखेंगे कि आप लोगों का दोबारा दिल चाहेगा ये मूवी को देखने का। एंड भाई यहाँ पर जो क्लाइमैक्स में फाइट दिखाई है, वो जो फाइट है ना, वो जो भाई वो जो सीन है ना, एक वहाँ पे आप लोगों को ये लगेगा कि यार मतलब ये मूवी नॉर्थ वालों के लिए ना एक ऐसी होने वाली है कि वो चाहेंगे कि भाई ये मूवी आ जाए नॉर्थ में भी, यानी कि हिंदी बेल्ट में भी ये मूवी आए। और मैं बता रहा हूँ, मैं यार मैं बताना नहीं चाह रहा कि आप लोगों का मज़ा ख़राब हो जाएगा जो भी ये मूवी को देखना चाहता है। लिटरली दोस्तों मूवी को देखो और आप लोगों को यहाँ पर ना मज़ा दूर, गलतियां हैं लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक हॉरर कॉमेडी में उन गलतियों को मैं गलती नहीं मानता। देखो ये है कि तमन्ना भाटिया एंड राशि खन्ना उस लेवल की एक्ट्रेस तो नहीं है जो लेवल मूवी के अंदर होना चाहिए उन लोगों का, यानी कि जिस लेवल पे मूवी है वहाँ पे आप लोगों को थोड़ी बहुत एक्टिंग भी जो है एक तरीके से देखनी चाहिए। आप लोग चाहेंगे कि यार नहीं ये डायलॉग ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पर ये होना चाहिए था, लेकिन आप लोग ध्यान मत देना क्योंकि दोनों इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि आप लोगों का उनकी एक्टिंग पे नहीं, उनकी खूबसूरती पे ध्यान जाएगा। लिटरली मैं आपसे कह रहा हूँ, पब्लिक यहाँ पे जितनी भी थी ना भाई सब यही, मेरे बराबर में जो बैठा था बंदा वो यही कह रहा है यार खूबसूरत कितनी लगी है। तो बस वहीं पर दोस्तों आप लोगों के पैसे वसूल हो जाएंगे और लिटरली मैं सही कह रहा हूँ, आप लोगों को मज़ा भरपूर आएगा। वन टाइम वॉच मूवी है, प्रॉपर आपके जो पैसे हैं वसूल होंगे और जाओ आप इस मूवी को देखो। मैं इस मूवी को 5 में से 3.5 स्टार देना चाहूँगा। फिलहाल ये मेरी अपनी ओपिनियन है, अगर आप में से किसी ने ये मूवी देखी है तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये मूवी लगी कैसी। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉच।